हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के क्लास में हम मॉडल करेंगे फ्रिज, और इसके लिए मैं यही बॉक्स को यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इसको एडिट मोड में लेके जाता हूँ, और ये जो वर्टिसेस है ऊपर वाले, मैं इसको यहाँ से मूव कमांड की मदद से इस तरह ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, जैसे फ्रिज का एक नॉर्मल शेप होता है, ये उसका बेसिक शेप बन गया है। अब यहाँ पर कंट्रोल आर की मदद से मैंने यहाँ पर लूप कट लगाने हैं, कंट्रोल आर, और यहाँ तक मैंने एक लूप कट लगाना है। ये इसका नीचे वाला साइड हो गया और ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो अभी मैंने इसको क्या करना है, एक और लूप कट लगाना है यहाँ पे, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जहाँ पर आप चाहें। तो मैं इसके साथ ही यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि इसमें थोड़ा गैप रहे, और फिर मैं इसको पेस मोड में यहाँ से लेके जाता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, और ये वाला इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, ई एक्सट्रूड, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। फिर दोबारा मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, जो थिकनेस है, जो डोर का थिकनेस होता है, मैं वही यहाँ पे लगाए तो बस इतना तक काफ़ी होए। अब मैंने क्या करना है इसके साथ, सबसे पहले आल्ट शिफ्ट की मदद से मैंने ये वाले सारे एज सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ से थोड़ा जूम कर दो, फिर आल्ट के साथ इस पर क्लिक कर दो, तो इसी तरह एक सिलेक्शन हो जाएगी, इसका जो राउंड सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर ये वाले भी करना है, तो अभी हमने इसके साथ शिफ्ट आल्ट को होल्ड करके रखना है, कंट्रोल डेड, अगर गलती से हो जाए तो कंट्रोल डेड, इसी पर क्लिक कर दो, तो इसी तरह का एक सिलेक्शन हो गया है। अभी यहाँ से आल्ट ई की मदद से आपने यहाँ पर आना है एक्सट्रूड पेसेज अलॉन्ग नॉर्मल, तो इस पर क्लिक कर दो, और जो अंदर की तरफ इसको इसी तरह एक्सट्रूड कर दो। ये देखिए हमें ये वाला गैप इसी तरह चाहिए, अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना तो आप इसको दोबारा सा स्केल कर दो बस इतने तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने ये वाले और ये वाले फेस सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बी की मदद से इसको थोड़ा सा इसी तरह बेवल कर दो, पर इससे पहले आप क्या कर दो, एडिट मोड से निकल जाओ, कंट्रोल ए की मदद से जितनी भी आपने ट्रांसफॉर्म यूज़ किया उसको अप्लाई कर दो, और फिर आपने एडिट मोड में जाना है, और कंट्रोल बी की मदद से अभी ये जो बेवल इस पर अप्लाई कर दो, तो इसी तरह थोड़ा स्मूथली हो जाएगा। ये फ्रिज का जो शेप है बेसिक वो तो बन गया है, अभी इसमें हैंडल बनाना है, जो यहाँ पे एक होता है एक यहाँ पे होता है, तो मैं इसके लिए अलग सा बॉक्स ले लेता हूँ, इसको मैं स्केल कर देता हूँ यहाँ से और बाहर की तरफ लेके आता हूँ, हमने बहुत छोटा हो गया, तो इसको इसी तरह बराबर कर दो। फिर यहाँ से आपने जाना है एक्स एक्सिस पे, और मैं यहाँ पे लेता हूँ वायर फ्रेम ताकि मुझे ये देख सके कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फिर एडिट मोड में जाना है, और मैंने लेके आना है वर्टिसेस मोड में, और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दो ऊपर वाले, और इसे ऊपर की तरफ लेके जाओ इसी तरह, ये वाले सेलेक्ट कर दो, नीचे की तरफ आओ, तो इसका ये वाला शेप इसी तरह बन जाएगा। ये देखिए आप शेड मोड में जाइए, अब यहाँ से एक एक्सट्रूड ले लो, इसी के साथ कनेक्ट कर दो। तो क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिंपल कर दो, कंट्रोल आर की मदद से इसमें दो लूप कट ले लो, फिर स्केल का बटन प्रेस कर दो और जेड एक्सिस, ताकि ये सिर्फ ऊपर की तरफ स्केल हो जाए। तो मैं यहाँ तक स्केल कर देता हूँ, मैं थोड़ा स्केल कर देता हूँ दूर से ताकि स्मूथली हो जाए, स्केल और जेड का बटन, तो ये सिर्फ जेड एक्सिस पे स्केल होगा। और अब इसके दरमियान जो पेसेस है वो बन गए, अब मैंने ये वाला फेस, ये जो है ये वाला, मैं फेस मोड में जाना है, ये वाला सेलेक्ट करना है, और ये वाला इसको एक्सट्रूड कर दो और इसकी तरफ लेके जाओ, तो ये देखिए का हैंडल बन गया। आप इस पर ट्राई कर दो कि सब डिवीजन सरफेस अप्लाई कर दो कि कैसे नज़र आ रहा है, तो इसी तरह थोड़ा स्मूथली होना चाहिए। मैं इसको कंट्रोल आर की मदद से कुछ एजेस ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक एज यूज़ कर दो, कंट्रोल आर की मदद से यहाँ पर एज और यहाँ पर, जिन जहाँ पर आपको थोड़ा शेप में प्रॉब्लम आए तो आप एज को इस पर अप्लाई कर दो, आप फिर एक्सेस पे देखो और ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए, और फिर इससे कॉपी ले लो, कंट्रोल शिफ्ट डी की मदद से कॉपी ले लो, और इसको जेड एक्सिस पे लेके आओ, तो जेड का बटन प्रेस कर दो और यहाँ पे इसको छोड़ दो, तो ये देखिए इसका
प्रिच का जो बेसिक शेप है इसको थोड़ा और भी अंदर की तरफ ले गया। दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर दो, इसको मटेरियल देते हो। मटेरियल आप पे डिपेंड कर रहे हो कौन सा दे रहे हो, मैं तो ये वाइट ही ठीक लगता है, पर चलो कुछ ग्रे टाइप के मटेरियल दे रहे थे ये देखिए। और इसमें मेटालिक थोड़ा यूज़ कर दो, यहाँ से ये रफनेस कम कर दो और ये कर दो थोड़ा वाइट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा डार्क ये वाले, और इसको भी वैसे ही वाले मटेरियल दे दो ये वाला, ये देखिए। तो आप इससे कॉपी ले लो और इसका कंट्रोल सी कंट्रोल वी की मदद से आप इसको ब्लैक कलर भी दे सकते हो, ये वाला बिल्कुल ब्लैक कर दो, सही है। कंट्रोल वी यहाँ से इसको थोड़ा सा ये वाला कलर दे दो। तो ये देखिए हमारा जो फ्रिज है बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग भी इस पर प्रैक्टिस कर दो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।